हेलो फ्रेंड, किचन तड़का में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए व्रत के लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाएगी और बनाने और खाने दोनों में ही इतनी टेस्टी और इतनी इजी है कि आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये एक कप साबूदाना लिया है। इसे हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें पानी डालकर मैं दो से तीन बार अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो धूल मिट्टी हो या फिर स्टार्च हो वो निकल जाए। और ये देखिए, मैंने सारे साबूदाने को अच्छे से धो लिया है। अब इसमें मैंने आधा गिलास पानी डालकर इसे 15 मिनट के लिए भिगोकर रख देंगे। 15 मिनट बाद देखिए साबूदाना अच्छे से फूल गया है। मैंने इसे एक दूसरी बोल में ट्रांसफ़र कर लिया और इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दिया है। अब इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमें इस समय इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है और इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने साबूदाने को अच्छे से दरदरा पीस लिया है। अब इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैंने ये दो उबले हुए आलू लिए हैं जिसे हाथ से मैश करके इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें व्रत में खाए जाने वाले हम थोड़े से मसाले और धनिया हरी मिर्च डालेंगे। एक चम्मच मैंने इतना हरी मिर्च ली है वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आज इसमें सारी वही मसाले डाले हैं जो कि हम व्रत में खाते हैं। अगर आप इस रेसिपी को वैसे भी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें अपने मनचाहे जो भी मसाले डालना चाहते हैं उसे डाल सकते हैं। ये वैसे भी खाने में बहुत अच्छी लगते हैं। सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने आलू को खूब अच्छे तरीके से इसमें साबूदाने में मिक्स कर लिया है। अब मैंने गैस पर एक अप्पा स्टैंड लिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अगर आपके पास अप्पा स्टैंड नहीं हो तो आप इसकी जगह तड़का पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक एक चम्मच मिक्सचर डाल देंगे। अभी आप इनके शेप की फिक्र मत कीजिएगा, इसकी शेप अभी बिगड़ी हुई, जैसे जैसे ये बनते जाएंगे वैसे वैसे इसकी शेप सही हो जाएगी। सारे अप्पे के मोल्ड में अच्छे से मिक्सचर को भर देंगे। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम ढककर 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे ताकि ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएं। पाँच मिनट बाद देखिए ये एक तरफ से थोड़े थोड़े सिकने लगे हैं। अब इन्हें पलटकर दूसरी तरफ कर देंगे और ये देखिए, हमने इसे कैसे शेप में बनाया था और ये एकदम परफेक्ट शेप में आने लगे हैं। जैसे जैसे ये बनते जाएंगे और परफेक्ट शेप होती जाएगी इनकी। सारे अप्पों को पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया है, मात्र 1 से 1.5 चम्मच ऑयल में ही आपका ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। और ढककर फिर से 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। और ये देखिए, दूसरी तरफ भी अच्छे से ये लाल होने लगे हैं और कितना अच्छा सा इसमें कलर आने लगा है। थोड़ी थोड़ी देर में सारे अप्पों को पलट पलट कर ऐसे ही सेक लेंगे। मात्र 5 से 7 मिनट में हमारे सारे अप्पे बनकर तैयार हो जाएंगे।
जो अप्पे सिक गए हैं उन्हें मैंने बाहर निकाल लिया है। और ये देखिए हमारे दूसरे वाले अप्पे भी अच्छे से सिक गए हैं। अब इसी स्टैंड में हम अपना और मिक्सचर भर देंगे। और ये देखिए मेरे सारे अप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। मात्र 10 से 15 मिनट में हमारे सारे अप्पे बनकर तैयार हो जाएंगे। कम ऑयल में बनने वाला ये नाश्ता हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी है। साथ ही साथ घर में रखे मसालों से ही बनकर तैयार हो जाएगा, ना ही इसमें आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत है। और व्रत के अलावा भी आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। साबूदाना वैसे ही कैल्शियम से भरपूर होता है, तो अपने बच्चों को एक बार इस तरीके का स्नैक्स बनाकर दीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।